गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संदीप गिरधर। जैसा कि आपको पता है, अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 14C के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिए थे। इस वीडियो के अंदर हम हमारी एक्सरसाइज 14C के क्वेश्चन नंबर 7 से लास्ट तक कंप्लीट करेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर आपने क्या सीखा कि किस तरह से हम पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करते हैं। यदि पैरेललोग्राम का एरिया हमें गिवन है तो हम किस तरह से उसकी एल्टीट्यूड फाइंड करेंगे, या एल्टीट्यूड गिवन है, एरिया गिवन है तो बेस कैसे फाइंड करेंगे, ये आप सीख चुके हो। तो इसी का ही यूज करते हुए हम कुछ क्वेश्चंस को और सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो आप देख सकते हो हमारे पास ये एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, जिसमें ए एक्स परपेंडिकुलर है सी डी साइड पर, और जो सी वाई परपेंडिकुलर है वो किसके ऊपर है, ए डी के ऊपर है। और हमें इस पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो भी गिवन है, कितना, 9 1/3 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया गिवन है। तो व्हाट आर द लेंथ्स ऑफ एक्स ए, आपको एक तो एक्स ए की लेंथ फाइंड करनी है और दूसरा सी वाई की जो लेंथ है वो फाइंड करनी है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम यहां ये लिख लेते हैं कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। जो अपोजिट साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो इसलिए जो ए डी है वो किसके इक्वल होगा, बी सी के, और बी सी जो है वो किसके इक्वल है, 4 सेंटीमीटर के, तो ए डी भी किसके इक्वल हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। इसी तरह से सी डी जो है, सी डी वो किसके इक्वल है, अपोजिट साइड ए बी के, और ए बी किसके इक्वल गिवन है, 7 सेंटीमीटर के, तो सी डी भी किसके इक्वल हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर के। तो हमें यहाँ पर इनकी वैल्यूज पता चल चुकी है साइड्स की। अब हमें एरिया भी गिवन है, तो देखो, गिवन दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू 9 1/3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। एक के अंदर तो हम बेस सी डी और एल्टीट्यूड ए एक्स ले सकते हैं, और दूसरे के अंदर बेस हम ए डी और एल्टीट्यूड सी वाई ले सकते हैं। तो यहाँ हम एक बार लेते हैं बेस सी डी इंटू में इसके ऊपर परपेंडिकुलर है ए एक्स, तो इन दोनों की प्रोडक्ट जो है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें गिवन है 28/3 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसको लिख सकते हैं, देखो सी डी हमने अभी अभी फाइंड की थी, क्या थी, 7 सेंटीमीटर। तो इसकी हेल्प से हम ए एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखो ए एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए 7 अपॉन में आ जाएगा, 7 से इसको कट करेंगे तो 4, तो 4/3 सेंटीमीटर या 1 1/3 सेंटीमीटर। तो ये 1 1/3 सेंटीमीटर किसकी वैल्यू आई है, ए एक्स की, जो कि हमें फाइंड करनी थी। अब यही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे पैरेललोग्राम ऑफ एरिया का, जिसमें बेस क्या ले लेंगे, ए डी, और इसके ऊपर परपेंडिकुलर क्या ले लेंगे, सी वाई। तो इन दोनों की प्रोडक्ट भी किसके इक्वल हो जाएगी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास किसके इक्वल गिवन है, 28/3 स्क्वायर सेंटीमीटर के। अब देखो ए डी किसके इक्वल है, 4 सेंटीमीटर के, तो सी वाई की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो देखो सी वाई किसके इक्वल हो जाएगा, 28/3, 4 डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ से कट के 7, तो 7/3 सेंटीमीटर। और इसको उसकी फॉर्म में लिखते हैं जब मिक्स की फॉर्म में, तो ये क्या आ जाएगा, 2 1/3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने किस किस की वैल्यू फाइंड कर दी, ए एक्स की भी और सी वाई की भी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी इफ ए डी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, सी एफ ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सी एफ ये है 8 सेंटीमीटर, बी जी ये भी एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये 12 सेंटीमीटर है, तो आपको ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ए बी मतलब ये वाली साइड। तो अब आपको एक बात देखनी है कि जब हम इस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करेंगे तो हमारे पास 2 मेथड हैं, या तो हम बेस क्या ले लेंगे ए डी और परपेंडिकुलर क्या ले लेंगे बी जी, ठीक है, या फिर हम इसी पैरेललोग्राम के एरिया को ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, बेस हो जाएगा ए बी और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा सी एफ। बट इसके अंदर ए बी हमारे पास गिवन नहीं है जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप कौन सी साइड लोगे, ए डी, और परपेंडिकुलर क्या लोगे बी जी। तो इन दोनों की हेल्प से हम पहले एरिया फाइंड कर लेंगे।
तो यहाँ देखिए आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, तो इसके लिए हम बेस क्या ले लेते हैं ए डी, और इनटू में इसी के ऊपर, इसी बेस के ऊपर परपेंडिकुलर जो है वो क्या है बी जी, और गिवन क्या है ए डी 10 सेंटीमीटर के और बी जी किसके इक्वल है 12 सेंटीमीटर के, तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एरिया किसका पैरेललोग्राम ए बी सी डी का। नाउ अगेन वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, तो देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी हम दोबारा फाइंड इस तरीके से भी कर सकते हैं ए बी मल्टीप्लाई विद सी एफ, ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है ये, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके इक्वल गिवन है 120 स्क्वायर सेंटीमीटर की, जो कि हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, दोनों को इक्वल रख देंगे और ए बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, सी एफ की वैल्यू जो है वो गिवन है 8 सेंटीमीटर, तो 120 स्क्वायर सेंटीमीटर के इक्वल होगा, तो ए बी किसके इक्वल हो जाएगा 120 स्क्वायर सेंटीमीटर डिवाइड बाई 8 सेंटीमीटर, इसको कट करेंगे हम सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, तो 8 × 1 = 8, 8 × 5 = 40, तो 15 सेंटीमीटर, तो इस तरह से हमारे पास जो साइड ए बी है उसकी क्या लेंथ आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9th, अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9th क्या स्टेटमेंट है, द रेशियो ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, देखिए हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, लेट कर लेते हैं हम ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम इन विच अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट एडजेसेंट साइड्स जो है उसका रेशियो हमें गिवन है क्या 2:3, तो मतलब 2:3 है, तो ये मत समझना ये 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है, ये उन रेशियो उन साइड्स को जब हम कट करेंगे तो उनका रेशियो आया हुआ है 2:3, तो हम लेट कर लेते हैं इसकी साइड 2x है और ये साइड 3x है, इट्स पेरीमीटर इज, तो पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है वही सेम होता है जैसे रेक्टेंगल का 2 × में लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो मतलब टू एडजेसेंट साइड्स का हम सम बोल सकते हैं लेंथ प्लस ब्रेड्थ को। फाइंड इट्स एरिया इफ एल्टीट्यूड कोरस्पोंडिंग टू लार्जर साइड इज 10, तो देखो लार्जर साइड 3x है, तो यहाँ से इसके ऊपर जो हम परपेंडिकुलर जो गिवन है जो एल्टीट्यूड वो हमारे पास क्या गिवन है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ लिख लेते हैं रेशियो ऑफ एडजेसेंट साइड्स इज इक्वल टू 2:3, तो यहाँ पे हम साइड्स लिखेंगे तो साइड्स आर 2x and 3x, जो साइड्स होंगी वो क्या हो जाएंगी 2x and 3x हो जाएंगे, और हमें गिवन क्या है पेरीमीटर, किसका पेरीमीटर गिवन है पैरेललोग्राम का, किसके इक्वल गिवन है यहाँ पे ये है 50 सेंटीमीटर के, और पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है 2 × में सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स भी लिख सकते हो या एल प्लस भी लिख सकते हो, तो सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स इज इक्वल टू हमारे पास है 50 सेंटीमीटर, तो 2 × में सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स क्या है 2x and 3x, तो 2x प्लस 3x कर देंगे, इन दोनों की 2 से मल्टीप्लाई करनी है और किसके इक्वल है 50 सेंटीमीटर के, तो देखो 2 × में इन दोनों को ऐड कर देंगे ये हो जाएगा 5x, किसके इक्वल 50 सेंटीमीटर के, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 10 सेंटीमीटर, किसके इक्वल होगा 50 सेंटीमीटर के, यहाँ ये 2 × 5 = 10x आ जाएगा, तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये 10/ में आ जाएगा 50/10 कैंसिल होकर क्या आ जाएगा x की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, तो ये x की वैल्यू आई है अभी, तो 10 फर्स्ट साइड इज हमारे पास क्या है फर्स्ट 2x है, तो 2 × 5 = 10 सेंटीमीटर, और सेकंड साइड जो है एडजेसेंट साइड वो क्या हो जाएगी हमारे पास 3x × 3 × 5 = 15 सेंटीमीटर, तो ये होगी हमारे पास 10 सेंटीमीटर और ये हो गया 15 सेंटीमीटर, और हमें एल्टीट्यूड किसके इक्वल गिवन है 10 सेंटीमीटर के, तो हमें एरिया फाइंड करना है, तो नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, तो क्या होगा बेस इनटू हाइट, तो बेस क्या है इसमें बी सी और हाइट क्या है यहाँ पे हम इसको एम लेट कर लेते हैं तो डी एम, तो देखो बी सी किसके इक्वल है 15 सेंटीमीटर के और डी एम किसके इक्वल है 10 सेंटीमीटर के, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 150 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो इस तरह से आपके पैरेललोग्राम का एरिया हमने फाइंड कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10th, ए फील्ड इन द फॉर्म ऑफ ए पैरेललोग्राम, देखो एक फील्ड है जिसकी शेप कैसी है पैरेललोग्राम की और बेस जो है वो है 15 डेकामीटर और जो एल्टीट्यूड है वो है हमारे पास 8 डेकामीटर, ठीक है, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ वॉटरिंग द फील्ड एट 10 पैसे
पर स्क्वायर मीटर। तो आपको पर स्क्वायर मीटर के अकॉर्डिंग इस पूरे फील्ड के ऊपर यदि हमें पानी देना हो तो उसके कितने रुपए लगेंगे वो हमें बताना है। यदि वन स्क्वायर मीटर एरिया की कॉस्ट है 10 पैसे, तो पूरे फील्ड की बताना है। तो सबसे पहला काम है हमारा इसका एरिया फाइंड करना। ये यूनिट डेकामीटर में गिवन है और हमें पर स्क्वायर मीटर में फाइंड करना है। तो इसका मतलब पहले इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो आप यहाँ लिख सकते हो कि 1 डेकामीटर किसके इक्वल होता है 10 मीटर के। तो यहाँ जो ये बेस है हमारा पैरेललोग्राम का वो है 15 डेकामीटर, तो इसकी जब हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 150 मीटर। इसी तरह जो एल्टीट्यूड है तो एल्टीट्यूड हमें गिवन है 8 डेकामीटर, और डेकामीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 80 मीटर। तो एरिया हम फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फील्ड इज इक्वल टू में बेस इनटू में एल्टीट्यूड। तो बेस हमारे पास किसके इक्वल है 150 मीटर, और हाइट या फिर एल्टीट्यूड जो है वो 80 मीटर है। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12,000 स्क्वायर मीटर एरिया आ जाएगा। तो अब हम यहाँ लिखते हैं कॉस्ट ऑफ वाटरिंग ऑफ 1 स्क्वायर मीटर एरिया इज इक्वल टू 10 पैसे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ वाटरिंग ऑफ 12,000 स्क्वायर मीटर एरिया है तो उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 12,000 की 10 पैसे से, और पैसे को कन्वर्ट करना हो यदि रुपीस में तो 100 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो 10 से 10, 10 से 10 कट होने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा 1200 रुपीस, मतलब 1200 तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 72 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखो ये पैरेललोग्राम है, लेट कर लेते हैं, इसका जो एरिया है वो है 72 स्क्वायर सेंटीमीटर। इट्स एल्टीट्यूड इज ट्वाइस द कॉरस्पॉन्डिंग बेस, जो बेस है उसका डबल है कौन एल्टीट्यूड। तो हम लेट कर लेते हैं बेस को एक्स सेंटीमीटर, तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा 2x सेंटीमीटर का हो जाएगा क्योंकि डबल हो जाएगा। तो हमें बताना है कि बेस की लेंथ क्या है, मतलब एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमने लेट कर लिया, लेट बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो एल्टीट्यूड है वो किसके इक्वल हो जाएगी, डबल हो जाएगी, तो 2x सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें गिवन है 72 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इनटू में एल्टीट्यूड किसके इक्वल गिवन है 72 स्क्वायर सेंटीमीटर के। तो बेस किसके इक्वल लेट करके चले हैं एक्स के, एल्टीट्यूड किसके इक्वल है 2x के, दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए ये हो जाएगा 2x, और x की मल्टीप्लाई हो जाएगी एक्स स्क्वायर किसके इक्वल 72 के। तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ये 2 जो है ये अपोन में आ जाएगा 72 के, तो क्या आएगा 36। तो देखो एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 36। आपको पता ही है जब हम x की वैल्यू निकालते हैं तो जो ये स्क्वायर है ये राइट साइड में जा करके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा किसका, 36 का। तो अब देखो 36 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 6, तो x की वैल्यू हमारे पास 6 आई है, तो 10 जो बेस होगा उसकी लेंथ क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, जो इसका ऑप्शन नंबर ए है वो क्या होगा, करेक्ट। अब देखो 36 के हमने सबसे पहले प्राइम फैक्टर करने हैं, इस तरह से प्राइम फैक्टर करने के बाद अब आप यहाँ ये देखिए डबल मतलब पेयर किस किस का बन रहा है, तो 2 का पेयर बन रहा है 3 का, तो इस पेयर में से 2 ले लो और इस पेयर में से 3, दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा 6। तो इस तरह से स्क्वायर रूट फाइंड करने का ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी होता है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ये 12th होर्स भी है, थोड़ा ध्यान से देखना। ए ट्राइंगल एंड ए पैरेललोग्राम आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सेम बेस सच दैट देयर एरियाज आर इक्वल। देखिए हम फिगर बनाते हैं, एक हमारे पास पैरेललोग्राम है और इसी पैरेललोग्राम के एक बेस के ऊपर ट्रायंगल बनी हुई है, तो शेप और भी कैसे भी बना सकते हैं हम, इस टाइप में बना लेते हैं। तो लेट कर लेते हैं ए बी सी डी ई, यहाँ से हम एक इसके ऊपर हाइट ड्रॉ कर देते हैं एफ, और एक और पॉइंट यदि हमें ज़रूरत हुआ तो ले सकते हैं इसके ऊपर, इसकी भी हम एक हाइट ड्रॉ कर देते हैं जी। ठीक है, तो देखिए आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी ई और एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, दोनों ही सेम बेस ए बी के ऊपर बने हुए हैं
और गिवन क्या है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, दोनों का जो एरिया है ट्रायंगल का भी और पैरेललोग्राम का भी वो बिल्कुल सेम है, इक्वल है। इफ द एल्टीट्यूड ऑफ द पैरेललोग्राम, तो देखो पैरेललोग्राम ABCD है, इसकी हाइट को, इसकी एल्टीट्यूड को हमने क्या लेट कर लिया, DF, जो कि किसके इक्वल है 100 मीटर के इक्वल है। और आपको अब फाइंड किसकी एल्टीट्यूड करनी है, इस ट्रायंगल की, मतलब EG की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हम यहां लिख लेते हैं, गिवन दैट एल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम जिसका नेम है DF किसके इक्वल है 100 मीटर के, ठीक है, ये हमें गिवन है। और हमें इसका बेस भी गिवन नहीं है, एल्टीट्यूड ट्रायंगल्स की भी नहीं गिवन, तो और क्या गिवन है हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कैसे करते हैं, हाफ इंटू में बेस, बेस क्या है ट्रायंगल का AB, इंटू में एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड हम क्या लेके चले हैं EG, आ रहा है ना समझ में, इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का भी बेस क्या है AB, इंटू इसकी एल्टीट्यूड क्या है DF। अब जो जो वैल्यू हमें पता है हम पुट कर देते हैं, देखो AB हमें नहीं पता और इधर भी AB है, तो दोनों AB से AB क्या हो जाएंगे कैंसिल, क्योंकि इस AB को जब हम राइट साइड में अपॉन में लेके जाएंगे तो उस AB से ये AB क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो ये देखिए हाफ इंटू में EG की हमें वैल्यू फाइंड करनी है और DF हमें गिवन है किसके इक्वल 100 सेंटीमीटर के। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है EG की, और ये जो 2 है ये डिवाइड में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। तो दस एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। तो इसी क्वेश्चन के साथ ये आपकी जो एक्सरसाइज है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ ये मीटर आएगा, इसको 200 मीटर में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि ये सभी जो लेंथ्स हैं वो हमें किसके अंदर गिवन है मीटर के अंदर, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख सकते हो 100 मीटर है, ये भी मीटर में हो जाएगा कन्वर्ट, ये सभी मीटर में हो जाएंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।